भीड़ की तो कमी क्या है, काम के लोग मिलते नहीं। ये जो कहावत है ना, ये आज की वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिर्फ उन लोगों के बारे में जिनको मतलब बहुत ज्यादा, मतलब घर में लोग बहुत आते हैं लेकिन काम के लोग नहीं आते, ऑफिस में लोग बहुत आते हैं लेकिन काम के लोग नहीं आते। अगर आप जैसे मतलब कोई लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं या लड़के के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो रिश्ते बहुत आएंगे लेकिन आपके मन लायक काम का रिश्ता कोई नहीं आएगा। तो अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें हो रही है ना, कुछ भी मतलब इनमें से कोई भी चीज, कोई भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और आप इस वीडियो को देखिए और समझ में आएगा कि ये जो इतने सारे लोग आ रहे हैं लेकिन रेलेवेंट कुछ भी नहीं है, काम का कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या करें, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये सिचुएशन फेस कर रहे हो आप। तो आज की जो वास्तु क्लास है वो इसी बारे में होने वाली है। तो जिनको थोड़ा बहुत भी वास्तु आता है वो समझ गए हैं कि आज मैं कौन से जोन के बारे में बात करने जा रही हूं। जी हाँ, आज मैं जोन के बारे में बात करने जा रही हूं, ईस्ट जोन के बारे में, कि अगर आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी ईस्ट जोन डिस्टर्ब्ड है ना, तो या तो ऐसे लोग ये कहते हुए मिलेंगे आपको कि यार मतलब लोगों से संपर्क ही नहीं बना पा रहा हूं, लोगों से कॉन्टैक्ट ही नहीं बना पा रहा हूं, इतना मैं काम करता हूं, इतना ज्यादा मैं मेहनत करता हूं लेकिन उसके बावजूद जो मेरे काम के लोग हैं उनके साथ मैं संपर्क ही नहीं बना पा रहा हूं। या फिर ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि लोग तो बहुत आते हैं बट सारे के सारे बेफालतू के। मुझे एकदम से याद आ गया, ये जो बात मैं बोल रही हूँ उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। एक बार मैं अपने फ्रेंड के ऑफिस में गई थी, एज यू नो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैं उसके ऑफिस में गई एक दिन ऐसे ही मिलने गई थी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे, मतलब ऑफिस में उसके साथ से मिलने बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ, तू निपटा ले। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू पहले आ, बाकी लोगों से बाद में बात हो जाएगी। मैं अंदर गई, अंदर जाकर बैठी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा वाह भाई सही काम चल रहा है तेरा। तो कहता क्या सही काम चल रहा है, तुझे लग रहा है कि अगर ये काम के लोग होते तो मैं बोलता कि तू पहले आ जा गप्पे मारने के लिए और बाद में बाकी लोगों से बात कर लूंगा। कहता ये सारे के सारे लोग बस ऐसे ही हैं, ये भी टाइम पास करने आए हैं, इनमें से काम का कोई नहीं है, रेलेवेंट कोई नहीं है, इररेलेवेंट है सारे के सारे। मैंने कहा तू पूरा दिन अपनी एनर्जी वेस्ट करता है इररेलेवेंट लोगों के साथ। तो कहता आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आते हैं बात करनी पड़ती है मुझे। लेकिन तू एक काम कर, ये जो इररेलेवेंट लोगों में से तुझे रेलेवेंट लोग ढूंढने हैं ना, उसके लिए काम कर सकता है अपने घर में जो तूने ईस्ट में बिना बात का सामान, जो तेरे काम ही नहीं आने वाला है, ऐसा सामान जो तूने भर के रख रखा है ना, उसको हटा दे। एंड ही वाज लाइक पागल है क्या तू, मेरे घर कब गई, तुझे क्या पता मेरे घर में ईस्ट में क्या रखा है। मैंने कहा देख मुझे नहीं पता लेकिन तूने अभी खुद बोला है। कहता मैंने कब बोला। एंड ही वाज लाइक कंफ्यूज्ड। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया कि ईस्ट कैसे देखना है, अपने घर में ईस्ट कैसे देखना है, नॉल्स और तूने कहाँ ये सामान रखा हुआ है। बात बात हुई। उसके बाद जब घर गया, घर जाकर उसने जो भी देखा होगा नॉल, उसका फोन आया मेरे पास रात में और बोला सीरियसली मैं यार तुझे लिटरली में कैसे पता चला कि हमारा स्टोर रूम, और वो भी ऐसा स्टोर रूम जिसमें मेरी वाइफ ने ऐसा सामान रख रखा था जो मेरे बिल्कुल किसी काम का नहीं है, जो हमारा ओल्ड है, स्क्रैप मटेरियल है, वो हमारा ऐसा स्टोर रूम हमारा ईस्ट में है, लेकिन तू तो आज तक घर नहीं आई है, तुझे ये कैसे पता कि ईस्ट में ये सामान रखा हुआ है हमने। मैंने उसको बहुत नॉर्मली बोला कि मैंने नहीं, मुझे नहीं पता कि तेरे घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ था, ये तो तेरी बातों ने मुझे बताया। तूने बोला कि लोग बहुत आते हैं लेकिन रेलेवेंट नहीं है, तेरे काम के नहीं है, तू खुद ही तो बता रहा है कि तेरे ईस्ट में इररेलेवेंट सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और वो ऐसा सामान है जो इररेलेवेंट है, तू खुद ही तो बता रहा है। आप समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। ईस्ट वो डायरेक्शन है जो हमें लोगों से जोड़ती है, जो हमें लोगों से कनेक्ट करती है, जो हमें पब्लिक से कनेक्ट करती है, हमारे काम के लोगों से हमें संपर्क बनाने के लिए हमें ईस्ट जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन द मोमेंट आपका ईस्ट जोन डिस्टर्ब हो जाएगा, यहीं पर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, इनफैक्ट अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे मेरे साथ वास्तु का, तो आपको समझ में आएगी हर जोन की रेलेवेंस। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स नहीं भी करना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहीं पर यूट्यूब पर ही मैं आपको हर चीज बताऊंगी वास्तु के बारे में जो आपको अपने घर के लिए जाननी जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप
की लड़की के लिए रिश्ते बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन रेलेवेंट जो आपको चाहिए ना वो नहीं आ रहे हैं। आपके लड़के के लिए बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, हर कोई अच्छी है, लेकिन जो आपको चाहिए, जैसी आपको चाहिए, वैसा रिश्ता कोई नहीं आ रहा। तो क्या करना है, अपने घर के ईस्ट को जाकर देखिए, कौन सा जोन एग्जैक्टली ईस्ट जोन है घर में, कौन सा पोर्शन घर में ईस्ट का पोर्शन है। आप अपने घर के बीचों बीच खड़े होइए, कंपास हाथ में लीजिए, मतलब अपना मोबाइल रखिए अपने हाथ पे, कंपास निकालिए और फिर उसमें डिग्रीज दिखाता है, ठीक है। फिर अपने ही एक्सिस पे ऐसे 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 गोल 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 घूमना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि किस जोन को ईस्ट दिखा रहा है। फिर 90 डिग्री जहां आ जाए, जब आप ऐसे 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 गोल 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 घूम रहे होंगे ना, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री जिस जोन में 90 डिग्री दिखाई दे वो एग्जैक्टली आपका क्या है, ईस्ट। उसका फ्रेमवर्क क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, किसी किसी को कंफ्यूजन हो जाती है ईस्ट की। मान लीजिए ये आपका घर एक रफ लेआउट है, आपके घर के बीच में आप खड़े हो गए, ठीक है। अब घर के बीच में खड़े हो गए, आप अपनी एक्सिस पर घूम रहे हो इस तरीके से, आप अपनी एक्सिस पर घूम रहे हो कंपास लेके कि एग्जैक्ट ईस्ट कौन सा है, ईस्ट पोर्शन कौन सा है हमारे घर में। तो आपने देखा कि जब आप यहां पर मूव किया हुआ था आपने इस जोन पर, तो आपने देखा यहां पर 80 डिग्री आ रहा है। जब आप यहां पर थे तो 80 डिग्री, मतलब जब यहां पर खड़े थे तो इस दिशा को 80 डिग्री दिखा रहा था और यहां तक आते आते 100 डिग्री हो रहा था। तो एग्जैक्टली 80 डिग्री से 90 डिग्री का जो पोर्शन होगा घर में वो होगा ईस्ट जोन। तो ये क्या हो गया, आपके घर का ईस्ट जोन। अगर आप बीच में खड़े हैं और बीच में खड़े होकर आपने देखा ये 80 डिग्री और यहां पर आ रहा है 100 डिग्री, उस कंपास ने आपको 80 डिग्री और 100 डिग्री इस तरीके से दिखाया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट जोन। इज दैट क्लियर। तो ये जो ईस्ट जोन है, इस ईस्ट जोन में क्या होना चाहिए, इस ईस्ट जोन में कोई भी स्पेस एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अगर आपने मेरी 5 एलिमेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाइए 5 एलिमेंट्स वाली वीडियो देखिए, अदरवाइज आपको ये जो एक्चुअल नॉलेज है ना वो नहीं मिल पाएगी। और ये चूरन चटनी है नहीं कि आपको चलो ठीक है कुछ आता नहीं, कुछ नहीं होता, आप बस देख लोगे सुन लोगे और समझ जाओगे, नहीं। आपको 5 एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि 5 एलिमेंट्स हैं क्या। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी, मतलब मैं अपने पूरे दिल से बना रही हूँ ये वीडियोस, लिटरली मैं आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। तो अगर मैं नहीं कुछ वो कर रही तो आप भी सीखने में पूरा मन लगाइए, स्टार्टिंग से पहली क्लास से जाकर देखिए, पूरा देखिए, तब समझ में आ पाएगा कि एग्जैक्टली वास्तु किस तरह से मैजिकली ट्रांसफॉर्म करता है लाइफ को। अच्छा हाँ, एक चीज और, ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरह की राजनीतिक फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी लोग ही हैं, वो पब्लिक कनेक्शन ही है, ऐसे पब्लिक कनेक्शन जो आपको फायदा दे जाए। तो अगर आप राजनीतिक किसी भी, चाहे आप अपनी सोसाइटी का ही इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, तो भी आपके घर में ईस्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना पब्लिक कनेक्शन के, सही लोगों से पब्लिक कनेक्शन के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, तो इसका मतलब आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम एक सोशल एनिमल है, अगर आप कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे, अगर आप कोई मतलब राजनीतिक कनेक्शन भी नहीं है, मतलब आप इलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट करना चाहते, तो भी वी वॉन्ट सम पीपल अराउंड अस जो हम लोगों को हेल्प करें, हम लोगों को सपोर्ट करें, हमें जिनके साथ उठ के बैठ के अच्छा लगे, तो उसके लिए भी ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको समझ में आया कि आपके घर में ईस्ट कहाँ है, कैसे पता चलेगा आपके घर में ईस्ट कहाँ है। हो सकता है आपके घर में ईस्ट, आप यहां खड़े हो और इधर आए 80 डिग्री और यहां आए 100 डिग्री, तो आपके घर का ईस्ट कहां हो जाएगा, यहां 80 डिग्री और 100 डिग्री का बीच का जोन को हम कहते हैं ईस्ट। और ईस्ट का मतलब खाली दीवार नहीं है, ईस्ट का मतलब है ये पूरा का पूरा, ये देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा जोन क्या हो गया, सेंटर से लेकर 80 डिग्री और 100 डिग्री के बीच का ये पूरा एरिया हम ईस्ट जोन कहते हैं। कई बार मैं लोगों को बोलती हूँ कि ईस्ट में सो, कई बार जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना है या कुछ ऐसा है, तो मैं उनको बोलती हूँ चलो एक काम करो आप ईस्ट में सो, तो मैं उनके कमरे का ईस्ट नहीं बोल रही हूँ कि उनके कमरे का ईस्ट, मैं उनके घर का ईस्ट बोल रही हूँ कि आपके घर में जो ईस्ट जोन है वहां सो। तो आप घर का ईस्ट जोन कैसे निकालोगे, घर के बीचों बीच खड़े होकर इस तरीके से कंपास में देखोगे और ईस्ट जोन, आपके घर का ईस्ट जोन ये है।
अब आपका मान लो आपका कमरा घर में ही है, तो आप इस कमरे में नहीं, यहां सोने की, मैं आपसे आपके इस कमरे के ईस्ट में सोने की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपको आपके घर के इस पोर्शन में सोने की बात कर रही हूं। अब ये पोर्शन में कमरा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कमरा तो गद्दे लगा के सो जाओ यहां पर, अगर आपको इलेक्शन में एक्चुअली में अचीव करना है तो। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली ईस्ट क्या होता है, किस तरह से अपने घर में हम ईस्ट देख सकते हैं, किसी भी उस जगह पर हम ईस्ट कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, वो जो मेरा फ्रेंड था उसका दोबारा से मेरे पास कॉल आया एंड ही सेड कि वाओ यार, मतलब तूने सीरियसली में तूने जादू सीख लिया है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता पहले तो मेरे को ये बात पे हैरानी हुई थी कि तुझे कैसे पता चला कि मेरे घर में ईस्ट में स्टोर है, और दूसरा मैंने जब मतलब ऑब्वियसली बात है उसको हैरानी हुई, एंड उसने अपने घर में वो जो इररेलेवेंट चीजें थी वहां से वो हटाकर वहां पर उसको साफ सफाई करके वहां पर रेलेवेंट चीजें रख ली, एंड आफ्टर लाइक विद इन 15 days ही उसका कॉल बैक आया था, और उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि वो जो सारे इररेलेवेंट लोग थे वो कहाँ चले गए, और उनमें से जो रेलेवेंट लोग थे जो सचमुच में काम देना चाहते थे या काम की बातें करना चाहते थे केवल वही आ रहे हैं आज। मतलब मुझे लिटरली में लग रहा है कि ये जादू हो गया है, तूने क्या किया है आगे? मैंने कहा देख मैंने कुछ नहीं किया, किया तो तूने, तूने ईस्ट से रेलेवेंट चीजें हटाई है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ तुझे बताया था कि हाँ तेरे घर में ईस्ट में कुछ इररेलेवेंट सामान रखा हुआ है, और कुछ नहीं बहुत सारा इररेलेवेंट सामान रखा हुआ है अगर इतने इररेलेवेंट लोग मिलने आ रहे हैं तो। तो सिंपल सी बात है, ईस्ट इज दैट मच इंपॉर्टेंट अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। क्या करना है ईस्ट में? अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि स्टोर नहीं होना चाहिए, और अगर स्टोर हो भी तो उसमें रेलेवेंट चीजें होनी चाहिए। इररेलेवेंट बस कुछ भी भरा पड़ा है, पता ही नहीं कि क्या भरा पड़ा है क्या नहीं भरा पड़ा, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूं, टॉयलेट का काम क्या होता है, फ्लश आउट करना। कोई भी चीज ऐसी है जो कि उस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है, जैसे पब्लिक रिलेशनशिप्स देना ईस्ट का एट्रीब्यूट है, वो उसको फ्लश आउट कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके घर की कॉपी है, उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको सिंपली ये डायरेक्शंस है कि द मोमेंट आप ऐसे किसी स्पेस में जाते के रहने लगते हो, काम करने लगते हो जिस जगह में आपने टॉयलेट बनाया है, तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली बात है ऑटोमेटिक है इंस्ट्रक्शन कि पब्लिक रिलेशनशिप्स को फ्लश आउट कर दो, खत्म कर दो पब्लिक रिलेशनशिप्स को। तो ऐसे घरों में जिन घरों में ईस्ट में एग्जैक्ट ईस्ट में टॉयलेट आता है, ऐसे घरों में पब्लिक रिलेशनशिप्स या तो होंगे ही नहीं, लोगों से कनेक्शन नहीं होगा, लोगों का बाहर वाले लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग जो उस घर में रहेंगे जहां पर ईस्ट में टॉयलेट है, या फिर अगर कर भी रहे होंगे तो वो ऐसे पब्लिक रिलेशनशिप्स उनके किसी काम नहीं आने वाले, वो इररेलेवेंट बेकार होंगे। तो क्या करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपने टॉयलेट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। जब हमारी नॉर्थ वाली जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको करके भी दिखाया कि नॉर्थ का टॉयलेट ट्रीटमेंट कैसे करना है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कलर बताऊंगी कि कौन सी कलर की टेप लगानी है आपको, और फिर जैसे मैंने बताया कि हर 45 days बाद आपको उसे चेंज करना होगा या फिर वहां पर स्पेस सर्जरी करनी होगी। तो यहाँ पर उससे पहले, स्पेस सर्जरी से पहले हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं जिसकी मोटाई कम से कम 2.8 inches से ज्यादा की हो। ठीक है, तो इस तरह की आप टेप यूज कर सकते हैं टू कवर योर टॉयलेट। टॉयलेट फंक्शनली रहेगा बट उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है, ये एक वास्तु ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वास्तु का मतलब घर में तोड़फोड़ कराना बिल्कुल भी नहीं है। वास्तु क्या है, सिंपली एंड सिंपली सही जगह पर सही चीजें रखना, और जो चीजें ऐसी हैं जिनको हिलाया ही नहीं जा सकता उनका ट्रीटमेंट कर देना। एग्जैक्टली और क्या क्या नहीं होना चाहिए ईस्ट में, ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ईस्ट में कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए, ईस्ट में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी ईस्ट में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। ईस्ट में आप कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट्स की चीजें ना रखें, क्योंकि राउंड ऑब्जेक्ट्स इसको स्पेसिफाई करता है स्पेस एलिमेंट को, और स्पेस एलिमेंट जो भी चीजें मैंने स्पेस एलिमेंट के बारे में बताई है ना, स्पेस एलिमेंट की कोई भी चीज ईस्ट में ना हो, तो ये ईस्ट को क्लैरिफाई रखेगा, ईस्ट को स्ट्रेंथन रखेगा। और कई बार आप देखेंगे कुछ भी ऐसा ईस्ट में नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक रिलेशनशिप्स लोगों से कनेक्शन बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली क्या है, ऑब्वियसली बात है ईस्ट कटा हुआ है, उस घर का ईस्ट जोन कटा हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूं, उस मान लीजिए कोई घर ऐसे है, ठीक है, ओके
आप बीचों बीच खड़े हुए और आपने देखा कि 80 डिग्री टू 90 डिग्री, अब आप देख रहे हो ईस्ट कटा हुआ है यहां पर, ईस्ट कटा हुआ है यहां पर, तो जब ईस्ट कटा हुआ होगा तो भी ये प्रॉब्लम, दिक्कतें आती हैं ईस्ट के कनेक्शन में, तब क्या करना चाहिए बताती हूँ। अगर ईस्ट कटा हुआ है या ईस्ट कम पावरफुल है, कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपका घर का कोई पोर्शन कटा हुआ है, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं करोगे, प्रॉपर मैपिंग नहीं होगी, तब तक नहीं समझ में आएगा कि कौन सा पोर्शन कट है या कौन से पोर्शन का, कौन से जोन की एनर्जी कम है। लेकिन अगर आपको एहसास हो रहा है इस चीज का कि नहीं ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले तो आप इन सब बेसिक चीजों को देखिए, और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने सारी चीजें ठीक कर ली लेकिन उसके बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं समझ में आ रहे, तो आप सिंपली क्या कीजिए, वहां पर 5 क्लियर स्टम्स रखिए। 5 क्लियर स्टम्स रखने के बाद ईस्ट में आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है। और हमेशा जब भी हमें अपने पब्लिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ईस्ट में थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा लोबान जरूर जलाया करें। ईस्ट में गूगल लोबान जरूर जलाया करें, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है, आपको गूगल और लोबान के नाम पर कूड़ा बेचा जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली, कूड़ा बेचा जा रहा है। अगर आपको सचमुच में गूगल और लोबान जलाना है ना अपने घर में, तो एक धूपबत्ती है तत्व शुद्धि के नाम से, एनर्जाइज रेमेडी वालों ने, उसमें सचमुच में असली गूगल और असली लोबान डाला हुआ है। आप सिंपली वो धूपबत्ती, गूगल और लोबान वाली धूपबत्ती, ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन गूगल वाली धूपबत्ती, एक दिन लोबान वाली धूपबत्ती, एक दिन नवग्रह शुद्धि वाली धूपबत्ती, इस तरह से उन्होंने जो एग्जैक्टली सही जड़ी बूटियों के साथ ही जो धूपबत्ती बनाई है, जिसमें कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन ये आपकी घर की एनर्जीज को चेंज करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये धूपबत्ती आप जला सकते हैं अपने ईस्ट में, एंड यू फील दैट डिफरेंस। और ये धूपबत्ती तो आप तब भी जला सकते हैं जब आपके ईस्ट में सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन तब भी ये धूपबत्ती आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर आप इस धूपबत्ती को जलाते हो ना अपने घर में, तो आपको वो जो एनर्जीज में बदलाव है ना, वो विदिन 2 डेज समझ में आता है। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ केवल और केवल कि ईस्ट जोन इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको जॉब, अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिल रही है, उसकी उसकी इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं, ईस्ट देखो काम के, मतलब आपको इंटरव्यू कॉल्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो जैसी आपको चाहिए एग्जैक्टली वो नहीं समझ में आ पा रही है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है, तो ईस्ट देखिए नॉर्थ के साथ साथ। अगर लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का सूटेबल नहीं मिल रहा है, आ रिश्ते बहुत सारे रहे, मैं बार बार देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आ रिश्ते बहुत सारे रहे, लेकिन वो जो सूटेबल, जो चीज दिमाग में वो नहीं आ रही है, ईस्ट देखो। अगर कोई भी आप पॉलिटिकल कनेक्शन रखते हैं, आपको किसी भी तरह के इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, ईस्ट इज द ओनली वे आउट फॉर यू, ओनली वे आउट फॉर यू। ठीक है, तो बस चलिए आज की वीडियो यहीं पर मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी विद अनदर जोन, वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है।